बोकारो दिनभर में आज बारिश ने बोकारो के अलग अलग जगहों को किया जलमग्न, बताएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मरणोत्सव मनाया, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिनभर में, मैं सुदीप। बोकारो की अन्य खबरों की भी बात करेंगे, साथ साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए, वहीं 648 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए, वहीं 173 की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली जमानत, केस रद्द करने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, भारत की ओर से बैडमिंटन में हिस्सा ले रहे हैं IAS सुहास LY। दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर सरकार को सौंपी रिपोर्ट। तालिबान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक जारी, IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी आर्थिक सहायता पर लगाई रोक। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 15 अंक घटकर और निफ्टी 8 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम घटा तो चांदी 600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। राज्य में 1700 करोड़ की लागत से बनने वाली पहली ग्रीनफील्ड सड़क ओरमांझी जैनामोड़ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव हुआ तैयार। हेमंत सरकार ने केंद्र की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाया, राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 25% से अधिक। अब सर्कल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा करने वाला झारखंड बना दूसरा राज्य। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। मंगलवार शाम लगातार हो रही जोरदार बारिश ने बोकारो के अलग अलग जगहों को जलमग्न कर दिया, जिसमें सेक्टर 3 मेंटेनेंस ऑफिस, सेक्टर 2D आवासीय विद्यालय और साथ ही साथ सेक्टर 3 के कई घरों में जल जमा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समर्थ आवासीय विद्यालय 1 और 2 जो बोकारो सेक्टर 2D में अवस्थित है, ये बहुत ही हर वर्ष बारिश में किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, बच्चों के छात्रावास में, सोने के जगह में, ये पानी बारिश का पानी ड्रेनेज की वजह से और भारी बारिश होने की वजह से बहुत सारा लबालब पानी भर जाता है। हम लोग इस वस्तु स्थिति को अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित करते हुए बोलेंगे कि इस समस्या से कुछ जल्द ही समाधान निकाला जाए, क्योंकि हर वर्ष की भांति यहाँ पे एक वर्ष का तो बात है ही नहीं, उचित ड्रेनेज नहीं है और बाहर का भी पानी घुस जाता है, इस वजह से हम लोग को मुसीबत का सामना करते हैं। यहाँ हर वर्ष बारिश में पूरा हम लोग का सामान नष्ट हो जाता है, अभी भंडार खर्च जितना भी है सब खत्म हो गया, और क्या बोलते चावल उवल जो भी था अनाज खाने उने का बच्चों लोग का पहले से भी, वो भी सब बर्बाद हो गया। पूरा गेट उट में पूरा एकदम पानी, और मेरा किचन रूम वगैरह सब इसी तरह पानी में पूरा लबालब भरा रहता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चास में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर इंदिरा गांधी के कार्यों को याद करते हुए स्मरणोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे। इस कार्यक्रम के दौरान बन्ना गुप्ता और कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। हम लोग हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिनको हम इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, आज हम उनको सत सत नमन करने के लिए आए हैं। और जो उनके अंदर एक कुशल क्षमता और एक कुशल प्रशासक, मृदुभाषी और इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए वचनबद्ध थी, आज उनको हम नमन करने आए हैं। हम अपने जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान हैं उनके विरुद्ध में संक्रांत कर रहे हैं। कांग्रेस जनों का ये कर्तव्य है कि इस देश में जो इस तरह की सरकार है, इसके विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठा रहे हैं। क्रिटिक्स के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय ऑलराउंडर चैंपियनशिप, जो कि चैंपियनशिप मोटिवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा संचालित है, MGM की छात्रा जो कक्षा 8 में है, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। MGM के प्रिंसिपल फादर रेजी सी वर्गिस ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रूबी को बधाई दी। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 1 रह गया है, जबकि 5,681 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 11,000
20 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अगले महीने में होने वाले पंचायत निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने भवनों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मंगलवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने निर्वाचन के बाद मतगणना को लेकर कई भवनों का निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, मंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और बीच में आसमान में बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश होने के पूरे आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे गुलाम 4691 ऑफिशियल चैनल द्वारा किया गया है, जिन्होंने 24 अगस्त को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, द टाइम्स न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद बोकारो के हर कोने की खबर पर रोशनी डालने के लिए। गुलाम जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों द्वारा किया गया कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।